लीजिए वह काफी लोग, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसका डिजाइन अलग बनवा लेंगे। सही है, ऐसे करेंगे। क्या बोलते हो आप? मैं तो डरने डरू, नई चीज आती है किसको बुरी लगती है। मैं मजाक कर रहा था। मैं मजाक करता, सीरियस ही हो गई है बेबी। हाँ तो और आपने मुझे बोला था, बोला था, बोलने में बहुत फर्क है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा चाहिए, होप आप सब ठीक होंगे। सो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रैंक करूँ सर को। मैंने बोला कि ना मेरी रोमी की ये लड़ाई, खुदा ना करे वो लड़ाई है वैसे, लेकिन मैंने इसको बहाना लगाया, इसको ऊपर नहीं आती ना, तो मैंने बहाना लगाया कि ना हमारी लड़ाई हुई, तो कह रही आ रही है बेबी। मजा आ रहा है प्रैंक करो ऐसा के साथ। मैं भी ना थोड़ा ऐसे सीरियस हो जाता हूँ। सही तो लिखना, रोमी ने अपने इन लोगों के साथ किया प्रैंक। जॉन इधर आ, थोड़ा सा ना ऐसे करते, कैमरा वहाँ रखते, लाइट ऐसे लगाते, इसको पता नहीं चलेगा, लाइट ऑन नहीं करते। और आज मैं आप सबको ही बताऊंगी इस बारे में, बस बहुत उसे मैं बहुत रो रही हूँ। ये मैं सच बता रही हूँ। अच्छा क्यों सच कड़वा लगता है? सर नींबू पानी बना के दिया, मुल्टे चक्कर आ रहे नहीं है। हाँ काली मिर्च पा के। और सर ने एक न्यू ऐप की है लाइफ, अगर आप सबने जाना सर को ज्वाइन कर सकते हैं। है सर, ऐप का नाम बता दो सबको। कोल्ड ड्रिंक रखी सर मैंने आपके लिए, बोरी बड़ी कोल्ड ड्रिंक हो रही तुम्हारे। हाँ ते मैं सोच रही कल पंजे बनाओ। हाँ निकलना है घर में जाना सामान रखने के लिए, तुमने साथ रहना है कि नहीं? क्या ड्रामा है सर तुम्हारे, तेरी मर्जी है। मैं चल कमरा बनाऊ दिता, तेरी मर्जी है। समान चुका मैं तो चुक ला, मेरी दो तो चीज़ें रह गई, बाकी सब टूट गए। अभी नया फर्नीचर लूँ। नींबू पानी बना के दो। कितने नींबू? तेरे हाथ किचन च। सर से नींबू पानी बना बनवा रही हूँ। सर आपके सिल्की बालों का राज क्या है? या मेरे बाल धो दो, मेरे बाल नहीं सही वॉश हुए। झूठ के पाव नहीं होते, और अपनी चीज अपने अंदर रखनी चाहिए, झूठ के पाव नहीं होते। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, पाँव नहीं होते, लेकिन मुंह तो होता है ना झूठ का। इन्हें समझ आता है? मुझे समझ नहीं आती, आपकी बहन को समझ नहीं आती। मुझे सब समझ है, खुदा का शुक्र है। ये मैं चाह नहीं रही, मैं मम्मी को बताऊँ, लेकिन ये चाह रहे मैं मम्मी को जाके बताऊंगी, बाजी लोग को जाके बताऊँ, ताकि इसकी क्लास हो। आपको पता मेरी अम्मी अबू, मेरी अम्मी अबू नहीं है। मैं क्या आपके माँ बाप मैच ही? आपने तो बोला था हम जन्म जन्म का साथ निभाएंगे, फिर क्यों तंग करता? विनर होने के मैं मामू को आ चल लिया सर थोड़े दिन वहां से, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर पकड़ो अपनी बहन को, बोलो ये लो इसका व्लॉग, मुझे नहीं दो, ये ले बात कर वीडियो, ये फ्री हो रही है ऐसा। मैं नहीं इसके साथ अभी ऐसा करेगी तो मैं चले आऊंगा। मैं आप अकेले फाड़ ले, मैं फाड़ा फाड़ा जो उसको पता नहीं क्या है। तो आप कहाँ जाओगे फिर? मैं जेल। एक बहन ने दूसरी बहन का वो एक पहले भी तो हुआ था, बर्तनों की वजह से कतल, सारा फेमस हो गया बर्तन ना धोने की वजह से, फेमस हो जाए। नहीं हमारे काम की वजह से लड़ाई नहीं, खुदा का शुक्र है। हमने डिसाइड कर लिया उस घर में जाके खाना मैं बनाऊंगी, खाना बनाएगी, रोटी मैं बनाऊंगी, और नाश्ता मैं बनाऊंगी, शाम को ये बनाएगी। हां सुबह का नाश्ता ये, रात का मैं, और सुबह जल्दी उठना वहां पे नाश्ता करके फिर बड़े सो लो। सही है। नहीं फिर सोने वाला नहीं, वहां मैंने अपने क्लाइंट्स भी देखने, मेरे व्यूअर्स आएंगे नेल्स वगैरह लगवाने, मेकअप। तुम तो सर के साथ पता नहीं क्या कर रहे थे, तुम सर के साथ इन्हें मैं चक्कर आ रहे, मैं कह रही नींबू पानी बनाते हैं। ए छुरी लाभ दी। अच्छा
उधर ही किचन में होएगी देखो। ये ना मुझे तो याद आया मैं सर आपके साथ प्रैंक कर रही थी। ये कहंदी के ना मेरी लड़ाई हुई है रोमी से है, मैं सब कुछ छोड़ के ऊपर आई और देखा ही हो रहा है। तो ये ऊपर नहीं आती मैं क्या करूं, आप लोग को पता भी मैं इसके बगैर सीना आया तेनो बेबी देखो मैं इतना प्यार करती हूं कह रही सीना आया। बस की चुम्मी लेनी चाहिए सर ने मुझे कभी चुम्मी नहीं दी बर्थडे पे भी नहीं दी थी आज तक मैंने नहीं बोला चुम्मी देवी बस सच चुम्मी दो चुम्मी से लड़ाई अभी लो जी चुम्मी वो किसी को भी नहीं देती झूठ बोलती हुई बस ये बहुत झूठी है बंदे का इसको बोला मुझे चुम्मी दे सर दे दे इतनी बेचारी वो बच्ची है वो छोटी सी जिसे ज्यादा पैसे कर रही चुम्मी में ऐसा क्या नहीं देती बस जानू जानू लगी रहती हाँ और बस नए घर की हाँ अभी हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं मैं सबको बता रही हूँ कि अम्मी बोल रही थी कि डाइनिंग टेबल लेना उसमें बैठ के नाश्ता वगैरह किया करेंगे सारे ना वहाँ जो खा लीजिए सर पता है क्या हुआ जब हम आ गए सर पानी पानी हुआ टूटी सारी लीक के किचन की कर गई उधर वह घर पे टूटी खुल लीक हो रही है फिर ये पाया चाबी दे के आए हैं उनको बिल्डिंग वालों को ना कल जाना भी सुबह मैंने मामू को बोला लेजर को छोड़ जा और ग्लास जो थे ना मुझे आज भाभी आई थी बता गई ग्लास कह रही मैंने दिए थे मुझे उसके ऊपर नाम ही नहीं गिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था तो मुझे ग्लास पसंद भी बहुत आते ग्लास उन्होंने दिए और सूट कह रही थी बता रही थी कि दिया येलो वाला गुल अहमद का और क्या दिया साथ में वॉच दी है और परफ्यूम कह रही थी दिया है हाँ वो पड़ा हुआ है परफ्यूम ना अच्छी फ्रेग्रेंस है अपनी बाजी ने लगाया मेरे भाई ना अपने और जो एलिया ने दिया ना मुझे वो वाला बहुत पसंद है अच्छा हाँ वो ये इन्होंने बनवाया भाभी लोगों ने बोतल गली से अच्छा लाइट हाउस में जो सबसे बड़ा हुआ अच्छा बोतल गली हाँ जी वहाँ से बन के सबसे सही 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 कितना ज्यादा है ना ये लिक्विड वाले सो हम लोग ना डिसाइड कर रहे हैं कि न्यू घर के लिए न्यू फर्नीचर ले तो आप लोग बताना मुझे तो ये बोल रहे हैं कि तुझे हम ये वाला सेल करके तुझे न्यू फर्नीचर ले देता हूँ क्या बोलते हो आप ही कहते हो सर आप लोगों को पता कोई ऐसा मतलब हमें जब नहीं डिसाइड होने वाला था तो हम आप लोगों से ही पूछते हैं सोफे तो नहीं लेने हैं ये सोफे तो हमने नहीं लेने चले यहाँ तो उसका फर्नीचर चेंज करते हैं क्योंकि अभी हमने बैठक के लिए भी लेने हैं क्योंकि ये प्लाई पे बना हुआ है फर्नीचर मतलब वो वाला लेनी है क्या डबल प्लाई बोलते क्या बोलते फर्नीचर ले तो जानने हो उस पे बना हुआ है सारा बेबी नहीं है फर्नीचर है ये भी नहीं है मैं बात वैसे ही कर रहा लेकिन आपने मुझे बोला था तो चले के दूंगा यहाँ घर लेंगे बट मैं सोच रहा हूँ चले देख लेते हैं किसी को अगर इसमें हमें 20,000 और मिलाना पड़ा 30,000 और मिलाना पड़ा ना ठीक है अस्कर उससे अच्छा हमें मिल गया सही है तुम ले लेंगे सही साथ में वो हमने सोफे भी उठाने सही सोफे भी हमने कम से कम 10 सोफे तो लगेंगे वहाँ बैठक पे जितने बड़ी बैठक 7 सीटर ले लेंगे बहुत है 7 सीटर कम 7 सीटर बहुत है शोकेस भी वहीं रखेंगे ना अच्छा अच्छा फिर सही है 7 सीटर क्योंकि मेहर भाई बोलती कमरे में बस बेड और शोकेस रखना 7 सीटर हम सोफे लेंगे कमरे में बेड और ये जाएगा हमारा बस उसके अलावा कोई चीज नहीं कबर्ड भी जाएगी बल्कि साइड पे है स्पेस बहुत है अगर हम वो भी रखना चाहे ना शोकेस वो भी रख देंगे जहाँ पे जगह थोड़ी होएगी क्या हो गया कमरा छोटा है नहीं अच्छा बेडरूम में अच्छी लगती है क्या आगे कमरे में डाल देंगे उस तरह थोड़ी क्या कबर्ड नहीं मेरे कमरे में मेरे कबर्ड है शोकेस ओहो सर जिसके अंदर बर्तन रखते हैं ये सर के कमरे के अंदर सही है ये हमारे रूम में बिल्कुल शाम के साइड पर आएगी सेट आएगी सामने सोफा आएगा सामने शोकेस आ जाएगा बस तो जो बर्तन है वो आपके कमरे में जाएंगे सर तो आप लोग लाजमी बताना हम लोग फर्नीचर चेंज करें मैं सोच रहा हूँ कि एक न्यू फर्नीचर ले लें एक मैंने देखा हुआ है बहुत प्यारा है मैं आप लोगों के साथ थंबनेल पे शेयर कर दूंगा
तो वैसा कब देखा जा रहा है, देखा है नहीं, सरप्राइज देते रहते हो। चल रहा है, काफी लोगों ने शक लिया भी हो तो ऐसा है, नहीं लिया हुआ काफी लोगों ने, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसका डिजाइन अलग बनवा लेंगे, सही है, ऐसे करेंगे। क्या बोलते हो आप? मैं तो डर नई चीज आती हुई किसको बुरी लगती है, मैं मजाक कर रहा था। मजाक करता है, सीरियस ही हो गई है बेबी। हाँ तो और आपने मुझे बोला था, बोला था, बोलने में बहुत फर्क है। हमारे घर की गद्दे की ऐसी मजे की चीज है, लेकिन नहीं बता सकता क्या करे, क्या हो गया, नहीं बताओ ना। ये हम बैठ देना, सेल करना चाहिए, कितने तक का हो जाएगा? मेरे हिसाब से 70 तक का, 60 तक का, हो सकता है ज्यादा में भी हो जाए। न्यू है, 70-80 तक का तो जाना चाहिए कम से कम, है ना, इतना तो जाए 80 तक का फर्नीचर हमारा जाना चाहिए। मैं वो रेट बता रहा हूँ जो होलसेलर होते हैं, अगर एज हम कस्टमर किसी को डील करेंगे तो लाख रुपए का जाना चाहिए, 50-60 तक। क्या? नहीं नहीं, शीशा टूटा हुआ इसका, वो तो 500 रुपए का शीशा वो लग जाएगा। चलो देख लेते फिर, सही है, बुला आगे किसी, सही है। चलो व्यूअर्स, अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं फर्नीचर वगैरह चेंज करने की, तो आप लोग भी अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी देना। आपने कितने का दिया था? 1 लाख समथिंग का दिया था, 1,10,000। हाँ तो वही जो मुझे पसंद था ना, वो 1,70-1,80 का था, तो उसने अरेंज नहीं की, तो फिर उन्होंने 1,10,000 का ही लिया। तो मैंने इनको बताया, तो मुझे बोला कोई बात नहीं, जो मिल रहा है तो नॉर्मल रूम के ले ले, फिर शादी के बाद मुझे मैं चेंज कर दूंगा, मसला नहीं है। ये बात सच है, आपको मैंने बताया था जो मुझे पसंद आया था, वो था तुर्किश था, तुर्किश था, कोशिश करते हैं वही अगेन लेने की। चलो खुदा ने चाहा तो अभी जो ना व्लॉग में यहीं पर एंड कर, चैनल को आप लोगों ने करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अपनी दुआ में याद रखना है, मिलेंगे कल अच्छे से व्लॉग का साथ, तब तक के लिए दुआएं करें ताकि हमारा जल्दी जल्दी घर जो ना शिफ्ट हो, रुकावटें आ रही रोज, आए दिन कोई, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, तो ये मसले बहुत बन रहे हैं। तो आप लोग दुआ करें ताकि हम जल्दी से जल्दी वहाँ जाए, मेरा बहुत खुद का दिल है, क्योंकि वहाँ पे ना नीचे चाय वाला होटल है हमारे। तो मैं बना के दूंगी चाय, मुझे किस लिए लेके आना है? जैसे रात में कहीं भी नहीं आती, पूरे एरिया में नहीं आती यार। ऐसी बात है, अपने हस्बैंड के सारे काम करती है, खुदा का शुक्र है, जो बात है करती है, हर चीज बनाती है, बस बात वही है कि जब तबीयत खराब हो फिर मैं खुद भी नहीं बोलता।